एयर मैक्स के किसी भी एयर कंप्रेसर को अनबॉक्स कर रहा हूँ, ये कल आया है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, देखते हैं कैसा है। दस दिन कनेक्टर है, इसके अंदर में ये एयर फिल्टर है, ये 230 एनएन से चलाने के लिए है, साथ में कई सारे स्प्रिंग्स, कई सारे ओरिंग्स का किट दिया हुआ है। इसमें एक और साइज के फिल्टर है, ये इसका मैनुअल पढ़ने के बाद समझ में आएगा। देख सकते हैं ठीक से, सरप्राइजिंगली इसके साथ कोई मैनुअल इंस्ट्रक्शन गाइड नहीं है। यहाँ पे एक टेम्परेचर गेज है, यहाँ पे एक प्रेशर गेज है जो 30 पे सेट किया हुआ है, ये इतने से 20 यानी कि 3000 PSI में मैं इसको सेट कर देता हूँ। यहाँ पे पावर और फैन का बटन है, जैसा कि मैंने ऑनलाइन देखा था कि पहले फैन ऑन करना पड़ता है, थोड़ी देर के बाद पावर। ये फोस्टर भी कनेक्ट है, ये मेरे ख्याल से एयर रिलीज के लिए है, इसका पर्पस मुझे पता नहीं। मैं एयर मैक्स का पंप यूज़ करता था बट बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, इसी के लिए मैंने सोचा इसको ट्राई करते हैं। ये प्लग है, इस साइड में फैन है, यहाँ एक और फैन लग रहा है, ये पावर इनलेट है, ये बैटरी से कनेक्ट करने का पोर्ट है, ये फ्यूज़ है। हालांकि इस पर लिखा हुआ कि 110x20 दोनों में चलता है बट मुझे यहाँ कोई टॉगल स्विच नहीं दिख रहा है। नीचे में एक और स्क्रू है खोलने के लिए, मैं इसको पावर ऑन करके देखता हूँ। ये टेम्परेचर बता रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है, ये फैन का बटन दबा हुआ था और ये पावर का बटन है, मुझे पहले फैन दबाना है, इसलिए फैन का आवाज़ सुनाई देगा। और पंप चालू करने के लिए फिर ये पावर बटन दबाना है। पंप चालू करने से पहले मैं इसका फ्यूज कनेक्टर कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा ये कंडक्टर है, इसका प्रेशर अभी बिल्कुल 90 के आसपास, एयर फिल्टर अपने कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है, अपना पावर बटन दबा रहा हूँ। यहाँ 20 और 9 डिग्री टेम्परेचर दिख रहा है, इसको मैंने अंदाज से 300 से 200 से थोड़ा ज़्यादा पे सेट किया, इसको मैं 20 पे कर देता हूँ। इसको और 800 के गेज को देख के इसके कैलिब्रेशन जान पाएंगे, मैं 800 के गेज को भी भरोसा रखूँगा उसकी रीडिंग पे। अभी हम पावर बटन दबाते हैं, कैमरा के रिकॉर्डिंग पे 1:15 हुआ है, ये
आवाज़ की काफ़ी तेज है। ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाना चाहिए, 200 बार गन में 200 बार हो गया है। इसकी सुई और इसकी सुई अलाइनमेंट पे है। ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा, 200 से ज़्यादा है। मैं इसके इसको हल्का सा एडजस्ट कर दूँगा। अब इसको खोलने के लिए ये ऐप अब ये प्रेशर रिलीज हो गया है। 21 डिग्री से 33 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। ये जाड़े का मौसम है, गर्मी में हो सकता है और ज़्यादा टेम्परेचर गया। अब मैं इसका पावर कट कर देता हूँ और थोड़ी देर पंखा चलने देंगे सुबह, ताकि टेम्परेचर और नीचे आ जाए। उसके बाद इसका टेम्परेचर काट लेंगे। तो मैंने 1 मिनट 45 सेकेंड्स में ये ऑन किया था, ये 5 मिनट्स में ये कम्प्लीट हुआ है। यानी कि जो 100 बार है ये करीब 4 मिनट में या उससे 4 से कम मिनट में इसने ये गन को भर दिया। तो मुझे नहीं लगता इससे आप स्कूबा टैंक वगैरह भर पाएंगे, लेकिन किसी भी गन्स भरने के लिए ये इनफ है।